क्या कहा है अम्मी ने? आपको बताया था अम्मी ने? मेरे सामने फोन आया था भरत की अम्मी का मेरी खैरियत पूछने के लिए। तो भाभी इसमें गलत बात क्या थी? ये तो अच्छी बात थी कि आपकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था उन्होंने। उनको ये बात बुरी नहीं लगी, उनको ये बात बुरी लगी कि तुम इस लड़की से फोन पे बातें करते हो। खैर अच्छा ही है ना, रिश्ता खत्म हो रहा है। इसमें अच्छी क्या बात है? ये तो गलत बात है ना कि हम हाँ करके ना कर देंगे। ज्यादा ड्रामे मत करो, मुझे पता है कि तुम बहुत खुश हो ये रिश्ता खत्म हुआ। मैं क्यों खुश हूँ? फरत एक अच्छी लड़की है और अम्मी ने खुद पसंद किया उसे मेरे लिए। देखो तुम मुझे साफ साफ बता दो, मैं अम्मी को राजी करवा लूंगी, फिर तुम उनको रामीन के घर ले जाना। रामीन? आप रामीन को कैसे जानती? इस बात को छोड़ो, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम रामीन को पसंद करते हो ना, तो मैं और वलीद अम्मी को मना लेंगे। अभी आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे तुम्हारी क्लास फेलो रामीन की बात कर रही हूँ, तुम उससे पसंद करते हो ना, शादी करना चाहते हो उससे। अभी आपको रामीन के बारे में किसने बताया? इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे किसने बताया, बस बात ये है कि तुम उसे पसंद करते हो, मैं अम्मी को समझा लूंगी, वो तुम्हारा रिश्ता वहां पर ले जाएंगे। अब तुम परेशान मत हो, जैसा तुम चाहते हो ना इंशाल्लाह वैसा ही होगा। भाभी मुझे सिर्फ ये बता दे कि रामीन के बारे में आपसे किसने कहा है? हॉस्पिटल आई थी वो मुझसे मिलने। नाक में दम कर दिया इसने मेरे। क्या मतलब, तुम उसे पसंद नहीं करते? जहर लगती है वो मुझे, जहर, खामा खा मेरे पीछे पड़ी हुई है। भाभी आप इधर बैठे और मुझे पूरी बात बताएं, वो आपके पास कब आई थी और उसने क्या क्या बातें की आपसे?